हाय गाइस, वेलकम टू टेक्नोजार्ड। दिस इज रोहित शर्मा। और यार, मैं इस वीडियो में आपको साइंस का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ क्लास टेंथ के लिए, ठीक है? कि हमारे सिलेबस में केमिस्ट्री कितने नंबर की कवर हो रही है, फिजिक्स कितने नंबर की कवर हो रही है, बायोलॉजी कितने नंबर की कवर हो रही है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस है, ये जो 25 मार्क्स है इन्होंने बता रखा है, इसके अंदर आपके पांच चैप्टर्स कवर होते हैं। पहला वाला है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सेकंड क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड वन इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ वन इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड फिफ्थ वन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? तो देखा जाए तो केमिस्ट्री आपकी टोटल कितने मार्क्स की आ रही है? 25 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आ रही है पेपर के अंदर, ठीक है? अब वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर कवर होते हैं तो वो देखते हैं। इसके अंदर आपकी ये बायो के चार चैप्टर्स कवर होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता हमारा लाइफ प्रोसेस, ठीक है? सेकंड हमारा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड हमारा आता है रिप्रोडक्शन। एंड फोर्थ वन इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है? तो ये चार चैप्टर्स जो हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर जो इन्होंने बता रखा है, ये हमारे 23 मार्क्स में कवर होते हैं, ठीक है? ये 23 मार्क्स का आएंगे चार चैप्टर आपके मिला के, ठीक है? अब आता है नेचुरल फिनोमिना। अगर देखा जाए नेचुरल फिनोमिना के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इसके अंदर आपके दो चैप्टर्स हैं। एक है हमारा लाइट और दूसरा है हमारा ह्यूमन आई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है? याद रखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये। टोटल आपके 12 मार्क्स के आ रहे हैं हमारे इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर आपके दो चैप्टर्स आ रहे हैं। एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आ रहा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैं अगर आपसे कहूं तो फिजिक्स टोटल 25 मार्क्स की आ रही है इसके अंदर। इसके अंदर पहले दो चैप्टर लाइट और ह्यूमन आई 12 मार्क्स के आ रहे हैं हमारे, और जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स है वो टोटल 13 मार्क्स का आ रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर हमारे कुछ चैप्टर्स जो कवर हो रहे हैं वो हमारे, मैं बताता हूं आपको। पहला है हमारा फिजिक्स का ही चैप्टर है, एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सेकंड बाकी जो दो है हमारे बायो के चैप्टर्स हैं, एक है हमारा आर एनवायरमेंट, दूसरा है हमारा, तीसरा जो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है? तो अगर आप देखा जाए तो मैंने आपको सारे चैप्टर्स की वेटेज बता दी है। पहला जो केमिस्ट्री के जो हमारे पांच चैप्टर है वो टोटल हमारे 25 मार्क्स के आए हुए हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर हमारे चार चैप्टर हैं, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी इवोल्यूशन, हमारे 23 मार्क्स के हैं, ठीक है? नेचुरल फिनोमेना में हमारे दो चैप्टर्स हैं, लाइट और ह्यूमन आई, ठीक है? ये हमारे 12 मार्क्स के हैं, फिजिक्स में कवर होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट 13 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फिजिक्स है वो भी 25 मार्क्स की कवर हो रही है, ठीक है? बस एक चैप्टर को छोड़ के जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, सात नंबर में हमारे तीन चैप्टर कवर हो रहे हैं। एक हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक आर एनवायरमेंट और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है? तो आपको सिलेबस तो मालूम पड़ गया कि क्या क्या हमारा कितने नंबर का है, ठीक है? अब आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा कि एग्जाम किस तरीके से आएगा। तो ये टोटल हमारा 80 मार्क्स का आएगा पेपर हमारा। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, मतलब जो आपका पूरे साल का जो रिकॉर्ड है सब, उसके अंदर आपका 10 मार्क्स तो आपके वो हो जाएंगे, 10 मार्क्स तो आपके जो यूटी एग्जाम वगैरह आप स्कूल के अंदर देते हो, ठीक है? 5 मार्क्स आपके फाइल के हो गए, सही है? 5 मार्क्स आपके समथिंग पोर्टफोलियो वगैरह के दे रखे, जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह होगा उसके होंगे, ठीक है? तो टोटल 20 मार्क्स का ओवरऑल स्कूल वाले आपके भेजेंगे नंबर, ठीक है? तो उसमें टेंशन लेने की आपकी जरूरत नहीं है। स्कूल अगर आप में परफॉर्मेंस आपकी स्कूल में सही है, ठीक है, तो आराम से टीचर 18-19 आपको भेजेगा ही भेजेगा, इससे कम भेजेगा नहीं, ठीक है? इफ अगर आपका
बिल्कुल ही खराब होगा तो मैं कहता नहीं, लेकिन हाँ 18-19 मार्क्स आपको स्कूल से आराम से मिलेंगे। अब जो आपको प्रॉपर अगर मेहनत करनी है तो वो आपको 80 मार्क्स पे देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये मैंने सीबीएसई से लिया है, ठीक है, ये पिक। तो सबसे पहले इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस इन्होंने बोल रखे, 20 जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू बोल दूं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हमारे टोटल 20 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन बोल रहे हैं, 20 मार्क्स के आ रहे हैं, सही है। इसके अंदर जो इन्होंने 20 मार्क्स है ना, इन्होंने इस तरीके से डिवाइड करा है इसको, जो 20 क्वेश्चन इस तरीके से डिवाइड करा है, 10 तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो है जैसे वन वर्ड आंसर आ गए यहाँ पे, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स या गिव रीजन समथिंग कुछ आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। और 5 जो है आपके जो इन्होंने नया ऐड करा है वो है असर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन इन्होंने इस तरीके से भी ऐड करा है क्योंकि इसकी जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन की जो डिमांड है आगे इन फ्यूचर बढ़ने वाली है, मतलब यूपीएससी वगैरह अगर आगे कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूं तो वहां पे ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इस तरीके से सीबीएसई आपका एक लेवल बना के चल रही है अभी से असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में। आपको अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आप एनालाइज करके क्वेश्चन को प्रॉपर सही से आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक डिसएडवांटेज आपका ये है कि अब आप कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, आपको एक एक टॉपिक पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि कहीं से भी कोई सा भी एमसीक्यू आपको आ सकता है। तो आपको अगर एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जानी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। और अगर मैं कहूँ ना तो बहुत ज्यादा स्कोरेबल मार्क्स हैं, आप 20 में से 20 भी ला सकते हो इनमें, ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ के जा रहे हो इसे। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके 3 नंबर के हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के हैं। इसके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, 3 मार्क्स के हमारे टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। और जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके जो 5 मार्क्स के होंगे उसके हमारे 6 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर देखा जाए 10 3 30 मार्क्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं आपके और 6 5 30 आपके यहाँ कवर हो रहे हैं। तो 30 30 60 60 प्लस 20 80 मार्क्स का आपका पेपर बन गया, सही है। ये 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, सही है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके भी क्वेश्चंस के अंदर पार्ट्स होंगे, ठीक है। एक सपोज करो कोई क्वेश्चन बना दिया, ए बी सी 3 पार्ट दे दिए, ठीक है। अब हो सकता है वो लाइट और ह्यूमन आई दो चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन बना दे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है टीचर पे वो किस टाइप के क्वेश्चन बनाएगा, सही है। तो आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपने 20 नंबर वहां पे स्कोर कर लिए तो वो बहुत इजी है स्कोर करना 20 नंबर यहाँ पे अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब आता है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, सही है। तो इनको भी देखेंगे हर चैप्टर की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट की होगा, मैं अपने आने वाली वीडियोस में हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे जो पेपर में आएंगे जिनके ऊपर क्वेश्चंस हमारे पेपर में आगे बेस्ड होंगे, गिव रीजन किस टाइप के आ सकते हैं क्या आ सकते हैं, वो सब मैं आगे आपको इन टू मंथ के अंदर प्रिपरेशन कराऊंगा इसकी, सही है। तो किस टाइप के क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, ठीक है, बस यही है। और अब आपको मैं इसके अंदर वो बता देता हूं कि अब आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है क्योंकि यार 2 महीने बचे हैं, ठीक है, अब क्या क्या फॉलो कर सकते हो, ज्यादा तो कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यार एनसीईआरटी पे जरूर फोकस कर लेना, ठीक है। बायोलॉजी जो है हमारा, बायोलॉजी आपको कहीं से नहीं पढ़नी, सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करनी है, कोई और बुक निकाल के मत बैठ जाना, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी भी फोकस करनी है तो जितने नंबर की बायो उतने आप फुल स्कोर कर सकते हो बायो के अंदर, ठीक है। तो बायो के लिए एनसीईआरटी इज सफिशियंट, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वैसे तो अगर आप पूरे दिन पूरे साल पढ़ो तो आपने लखमीर वगैरह फॉलो करी होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप एंड टाइम के लिए देखें तो ऑल इन वन जो है इस टाइम बेस्ट बुक है जिसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, गिव रीजंस भी दे रखे हैं, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस भी दे रखी है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट बुक है ऑल इन वन मैथ्स के लिए भी, ठीक है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए भी, साइंस के लिए भी और आपकी सोशल साइंस के लिए भी सबसे बेस्ट बुक है इस टाइम, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे एनालिसिस दे रखे हैं, जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशंस दे रखे हैं। तो आप अगर इस बुक को करके जाते हो
ठीक है, इस बुक को भी करके जाते हो, और अगर सैंपल पेपर वगैरह करते हो तो अराउंड 80-70+ आप इजीली स्कोर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और आने वाली वीडियोस के अंदर तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको करके जाना है, मैथ्स के लिए भी और साइंस के लिए भी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट यार। ओके बाय।